होशंगाबाद जिले की सिवनीमालवा तहसील में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत कई ग्रामों में शासकीय स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कहीं घटिया सामग्री तो कहीं नर्मदा नदी की अवैध रेत का उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिवनीमालवा तहसील में कोई भी नर्मदा घाट स्वीकृत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जमकर अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन किया जाता है, जिसका खुलासा ग्राम बाबरी में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे शासकीय स्कूल में नजर आया। यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियों से दर्जनों ट्राली रेत का ढेर लगाया गया है। जब यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जानकारी लेनी चाही गई, तो उन्होंने बताया कि यहीं के ट्रैक्टर से नर्मदा नदी की रेत बुलाई गई है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से मजदूरों ने मना कर दिया। जिसके बाद मजदूरों से पूछा कि काम कौन मिस्त्री करा रहा है, तब मिस्त्री से चर्चा की गई तो उन्होंने पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जब कई बार पूछा तो कह दिया यहीं के ट्रैक्टर से आई है, नर्मदा की रेत है। अब देखना यह है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई शहर में करने वाले अधिकारी इन ग्रामों में जाकर क्या कार्रवाई करते हैं। 1 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम बाबरी में हाई स्कूल की बिल्डिंग तैयार की जा रही है। ये हमारे साथ जो साथी हैं, ये यहाँ मिस्त्री का काम करते हैं। किसका ठेका है? सुधीर यादव जी का ठेका है। कब से नहीं आए आपके ठेकेदार जी? तो रोज आते हैं। ये गिट्टी कहाँ से आ रही है? आप गिट्टी कहाँ से खरीद रहे हैं? मालूम नहीं है सर। और रेता? अब ये मालूम नहीं है कौन ला रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से लगे हुए ढेर हैं। कहाँ से आई है ट्रैक्टर ट्रॉली? कहाँ से आती है? ट्रैक्टर तो यहीं का है, बाबरी के। बाबरी के हैं, मतलब ये नर्मदा नदी की रेत है या कोई दूसरी नदी की रेत? नहीं, नर्मदा नदी की रेत है। ट्रैक्टर ट्रॉली से आई है। एक भी नर्मदा नदी पर खदान स्वीकृत नहीं है, मतलब कि ये रेत भी चोरी की है, लेकिन पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे अपने घर में बैठे हुए हैं और यहाँ से कार्रवाई करने की उनकी इच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में रेत का स्टॉक लगा हुआ है, शासकीय कार्य में रेता का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहीं और की नहीं, ये बाबरी की है, डिमावर की है, जहाँ से रेत चोरी होती है। आपको बताया भी है मिस्त्री जी ने कि रेत कहाँ से लाई जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉली से आई है। आपको एक बात और बता दूं कि सिवनीमालवा तहसील में 3 पंचायतों को रेत खदान स्वीकृत है, वो मोरन और गंजाल पे है। नर्मदा जी की एक भी खदान स्वीकृत नहीं है, लेकिन ये जो रेत है वो नर्मदा जी की है। इसकी दो पहचान होती है कि नर्मदा की रेत चमकदार होती है, वही मोरन और गंजाल की रेत थोड़ी सी मटमेले कलर की होती है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे कितनी ईमानदारी से कार्रवाई करते हैं या हर बार की तरह लीपापोती कर लेते हैं।